सुमेर सिंह जिस गांव में रहते थे लोग उन्हें जमींदार के नाम से बुलाते थे, क्योंकि सुमेर सिंह के पास पर्याप्त मात्रा में खेती थी और उस खेती से पूरे साल में जो भी अनाज निकलता था उसी अनाज को बेचकर सुमेर सिंह की घर का खर्चा चलता था। सुमेर सिंह के कुल दो संतानें थी, यानी घर में रहने वाले टोटल चार लोग थे, सुमेर सिंह, सुमेर सिंह की पत्नी, सुमेर सिंह का बेटा और सुमेर सिंह की एक बेटी। सुमेर सिंह का जो बेटा था उसका नाम मनोज था और सुमेर सिंह की जो बेटी थी उसका नाम राखी था। दोनों अभी पढ़ाई कर रहे थे, घर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, घर में सब सुखी संपन्नता और खुशी से रह रहे थे, चारों परिजनों में आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार था, चारों आपस में साथ साथ जिंदगी गुजार रहे थे, जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। सुमेर सिंह की बिटिया जो राखी थी वह संतानों में यानी कि दोनों में सबसे बड़ी थी, मनोज उससे छोटा था। सुमेर सिंह की बिटिया राखी की उम्र करीब 16 से 17 साल की थी और वो कक्षा 12 की छात्रा थी, यानी कि वह कक्षा 12 में पढ़ाई कर रही थी और बेटा हाई स्कूल में पढ़ रहा था। दोस्तों आज की कहानी जो है वो बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छूने वाली कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, सुमेर सिंह को एक असाध्य बीमारी जिसे कि हम कैंसर के नाम से जानते हैं, वो उस बीमारी से पीड़ित थे। सुमेर सिंह का इलाज हॉस्पिटल से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुमेर सिंह की रात में करीब 8 बजे तबीयत खराब हो जाती है। और जब सुमेर सिंह की तबीयत खराब होती है तो सुमेर सिंह का बेटा मनोज अपने मोहल्ले के कई लोगों को इकट्ठा करता है कि चाचा आज पापा की तबीयत बहुत तेज खराब हो गई है, आप लोग चल के इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। अब मोहल्ले वाले लोग, गांव वाले लोग इकट्ठा होकर सुमेर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद उनका अस्पताल में ही कैंसर की असाध्य बीमारी से निधन हो जाता है, क्योंकि सुमेर सिंह का जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज में था। अब सारी जिम्मेदारी घर की उनके बेटे जो अभी छोटा ही था मनोज उसके ऊपर आ जाती है, जो अभी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। मनोज अभी छोटा बच्चा ही था और हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था और उसके पिताजी का जब निधन हो गया तो मनोज सोचने लगा कि आखिर अब जिंदगी और परिवार की गाड़ी मैं इतनी छोटी उम्र में कैसे अपने कंधों पर लेकर चलूंगा। और यही सोच सोचकर सुमेर सिंह की पत्नी का बुरा हाल था। फिलहाल एक दो तीन साल जैसे तैसे गुजरे, जो खेती बाड़ी से पैसे आते थे सुमेर सिंह के समय में, उन्हीं पैसों से बाद में भी कुछ जो सेविंग करके सुमेर सिंह ने रखा था वो मरने के बाद परिवार वालों को मिला, उससे खर्चा चलता रहा। लेकिन आए हुए पैसे कहां तक रुकते हैं आपको भी पता है, पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब जब सुमेर के बेटे और सुमेर की पत्नी के पास पूरे जो पैसे मिले थे सुमेर सिंह के मृत होने के बाद, जब वो खत्म हो जाते हैं तो सुमेर सिंह की पत्नी और उसके बेटे मनोज को एक ही दुख सताया जा रहा था कि बिटिया उनकी राखी अब बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी शादी लायक। अब अकेला बेचारा तन्हा मनोज अपने कई रिश्तेदारों से, अपने कई पड़ोसियों से कहता है कि चाचा अब राखी शादी लायक हो गई है, इसकी शादी आप कहीं देखिए और इसकी शादी आप कहीं करवा दीजिए। गांव वाले लोग, रिश्तेदार लोग मनोज के साथ कई बार जाते लड़का देखने, लेकिन उसके लायक कहीं लड़का ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो राखी थी वो देखने में थोड़ी सी सांवली थी लेकिन पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी। अब एक जगह एक पड़ोसी के रिश्तेदार के यहाँ एक लड़का देखते हैं, लड़का रेलवे में टीटी होता है। जब मनोज और अपने चाचा को लेकर पड़ोस के और दो तीन लोगों को लेकर उसके घर जाता है तो मनोज के साथ में जो लोग थे वो लोग बताते हैं कि रिश्तेदारी का मैटर है, और मनोज कहता है कि चाचा वो टीटी है, सरकारी नौकरी करते हैं, दहेज बहुत मांगेंगे। तो
कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो रिश्तेदारी में है, दबाव में है शादी, चलो देखो शादी तय हो जाएगी। मनोज जाता है, मनोज जाने के बाद टीटी के घर पे उससे मिलता है, नमस्कार प्रणाम करता है, टीटी के पिताजी से मिलता है। टीटी के पिताजी कहते हैं कि बेटा लड़की कहाँ तक पढ़ी है, तो मनोज कहता है कि वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है और हमसे बड़ी है, और आपकी मांग जांच क्या है। तो टीटी के परिवार वाले यानी टीटी के घर से जो गार्जियन से टीटी के पिताजी, वो कहते हैं कि बेटा तुम दे के आ सकते हो। तो वो हाथ गोर जोड़ता है, कहता है चाचा हम देने लायक क्या है, हमारे पिताजी हैं नहीं, अभी हमारी 16-17 साल की उम्र है और हमारे ऊपर 2 साल पहले पिताजी गुजर गए, हमारे पास खेती तो बहुत है लेकिन उसी खेती से हमारा जीवन भरण पोषण होता है, तो चाचा उसमें से ही जो कुछ आएगा मैं बेच बांच के आपको दहेज जो आप कहेंगे वो दे दूंगा। तो कुछ देर तक टीटी के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम्हारे पास अगर इतनी खेती है तो उसी में से 1 बीघा खेती बेच कर तुम हमें कन्यादान में दे दो। वो कहता है चाचा दरअसल मुझे अपने घर पे भी बात करनी पड़ेगी। अब वो अपने चाचा लोगों के साथ अपने जब घर आता है, जैसे ही वो सारी बातें बताता है कि जहां वो लड़का देखने गया था उसके पिताजी ने ये कहा, तो लड़की जो है जब ये बात सुनती है राखी, तो वो कहती है कि अभी से ये लोग इतना लालची हैं, इनके मन में इतना लालच भरा है कि वो हमारा खेत बिकवाना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे लड़के के साथ अगर शादी कर लूंगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। वो तो फिर और कुछ मांगने लगेंगे और कुछ कहने लगेंगे, उनके भाव अभी से इतने बढ़े हुए हैं। दहेज के कारण ये शादी तय होते होते बहुत समय लग जाता है, लेकिन शादी यही तय होती है और शादी हो जाती है। और एक दिन आता है जब बारात आती है, बारात का अच्छे से स्वागत होता है और मनोज अपनी 1 बीघा खेती बेचकर, टीटी के पिताजी ने कहा था मुझे 4 चक्के की कार चाहिए, तो 4 चक्के की कार खरीद कर अपनी बहन की शादी में खुशी खुशी दे देता है और उसकी बहन जाती है वहां पर रहने लगती है। अब जब उसकी बहन टीटी के साथ जिससे उसकी शादी हुई थी रहने लगती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने देखा कि उसके पति जो कि टीटी था उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका था। वो कह रहा था कि मुझे 1 फ्लैट चाहिए और अपने घर वालों से कहो कि मुझे 1 फ्लैट के लिए या तो जमीन दे या तो जमीन बेचकर 1 मुझे फ्लैट कहीं शहर में खरीद कर दे, अब मैं शहर में रहूंगा। जब प्रताड़ित होती है तब एक दिन अपने भाई से बात कहती है, तो उसका भाई कहता है कि देखो बहन तुम तो मेरी बहन हो, अगर तुम भाई होती तो पिताजी की जो भी संपत्ति है वो आधा आधा तो बढ़ती, कोई बात नहीं मैं 1 बीघा बेचकर उन्हें फ्लैट दे देता हूँ। उन्हें 1 बीघा बेचकर फ्लैट दे देता है और उसके बाद वो लोग फिर से अपना जीवन अच्छी तरीके से जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन टीटी कुछ दिन बाद फिर से कुछ मांगने लगता है। टीटी से कहती है कि ऐसा है कि मैं और मेरे परिवार वाले अब तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तुम अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते हो, तुम पैसा कमाते हो, तुम जो कमा रहे हो उसी में अपना गुजर बसर करो। लास्ट में उसका जो पति था टीटी वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा के कि तुम्हारा संबंध किसी और से। वो कहती है ऐसा मत करो। लेकिन दोनों आपस में एक दिन रात में झगड़ते हैं। अब मनीषा अपने घर आ जाती है, अपने भाई के साथ कुछ दिन रहती है। उसके बाद फिर एक दिन क्या होता है, मनीषा का भाई जाता है अपने जीजा के पास मनोज, और मनोज अपने जीजा के बहुत हाथ पाँव पैर पड़ता है। और इत्तफाक से टीटी की एक बहन थी जिसकी भी शादी होनी थी, और वो टीटी को समझाता है कि जीजा जी अगर आपकी बहन की भी शादी ऐसी हो और आपके साथ भी ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो वो कहता है कि जैसा होगा मैं देख लूंगा। और अंता टीटी के बहन की शादी भी होती है और सेम कंडीशन जो टीटी कर रहा था मनोज की बहन की, वही कंडीशन टीटी के बहन की भी होती है। और कुछ दिन बाद टीटी की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि हम अपने व्यवहार में जैसा किसी दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ बदल कर प्रकृति समय वापस लाती है।
दोस्तों इसलिए हमें कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और शादी जब भी करनी चाहिए उनकी मांग जांच पूछ लेनी चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि दहेज लोभियों के यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोभी आजीवन लोभी होते हैं, मरते दम तक लोभी होते हैं, उनकी लालच कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है, वो जिंदगी भर लालची ही और भिखारी ही बने रहते हैं, उनका काम सिर्फ मांगकर ही चलता है। फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्र जानने वाले दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।